एवरीथिंग ओके? बापूजी कैसे हैं? बापूजी अब खतरे के बाहर हैं। थैंक गॉड। मैं कितनी टेंस हो रही थी उनकी हेल्थ को लेकर। मैं तोशु को कब से कॉल कर रही थी पर वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा था। किंजल बेटा, मुझे तुझसे एक मदद चाहिए थी। मम्मी आप कहिए तो सही। एनीथिंग फॉर यू। तुझे गाड़ी चलाने आती है ना? हाँ। मुझे सिखाएगी? ऑफ कोर्स मम्मी। पर आपको अचानक ये आइडिया क्यों आया? आपकी बेटी को कुछ आता ही नहीं है। काश मैं आपके लिए कुछ कर पाती। बाबूजी आंखें खोली। क्योंकि अब समझ में आ गया है कि जरूरत अचानक से ही आती है, इसलिए पहले से तैयार रहना बहुत जरूरी है। जिंदगी का क्या भरोसा, कब कौन सा सवाल पूछ ले। हम तो बस अपने जवाब तैयार करके रख सकते हैं। मैं भी वही करना चाहती हूँ ताकि अगर कोई मुश्किल आए तो मुझे किसी और को आवाज लगाने की जरूरत ना पड़े। अब सहारा मांग कर नहीं, सहारा बन कर जीऊंगी। तुम दोनों की चाय यहाँ रख रही हूँ। स्वीटी को मैंने सुला दिया। ये अपने मेज पे रखे हैं, तुम दोनों खा के सोने की कोशिश करना हो। डॉली और भैलो अस्पताल में है इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। बाप, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बॉस का कॉल आया। भाई जहाँ जाना है जा, फोन चालू रखना। ये तो किंजल है। किंजल यहाँ आई है? मम्मी चलिए, कम ऑन जल्दी, हम वेटिंग। ये किंजल तुम्हें बुला रही है? मम्मी आप उसके साथ कहाँ जा रही हैं? गाड़ी चलाना सीख ले। वाओ, That's so cool! Yes! सैर सपाटे के बहाने कम पड़ गए थे, जो ये एक नया बहाना ढूंढ लिया तुमने। बापूजी हॉस्पिटल में पड़े हैं और तुम्हें कार सीखनी? कभी जिंदगी में साइकिल भी चलाई है तुमने? ओह, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे मायके की तो साइकिल की भी औकात नहीं है। इंजल तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? Because it was between me and your mom. फिर भी तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। पारितोष प्लीज, तुम अपने पापा की तरह बात करना बंद करो। शाबाश किंजू बेबी। समर्थ है, सॉरी तोशु बेबी। किंजल हमारी इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है और मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, तुम मम्मी को इन सब चीजों के लिए प्रोवोक करना बंद कर दो। ऑलरेडी घर पे इतनी प्रॉब्लम चल रही है और तुम। पारितोष प्लीज, तुम्हारी बातें ही नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा बिहेवियर भी तुम्हारे पापा जैसा होता जा रहा है। Oh my God, मैं तो खुशी से रो ही दूंगा। मम्मी को साइकिल चलानी भी नहीं आती है। हाँ तो सीख लेंगी, सब सीखते हैं। तू बहुत जुबान चलाना सीख गया। हाँ मैंने सीखी है ना, अब मैंने जुबान चलानी सीख ली, मम्मी गाड़ी चलानी सीख लेगी। मम्मी हाउसवाइफ है, उनसे नहीं होगा यार। और दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है तोशु कि एक हाउसवाइफ कार चलाना नहीं सीख सकती? और मम्मी की एज? सीखने की कोई एज नहीं होती। राइट, आप भी मम्मी को सपोर्ट करना, सीख के देखो, हो सकता है इस एज में भी सीख जाओ। मैंने हॉस्पिटल में तेरी साइड क्या ले ली, तू तो अपनी मन मर्जी पे उतर आई है। कार चलाना सीखेगी क्यों? अहमदाबाद में टैक्सी चलानी है। बा, मैं गाड़ी चलाना सीखना चाहती हूँ। तुम मेरी बा को जवाब दे रही हो, बदतमीजी कर रही हो। वो मेरी भी बा है और मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, ना ही कोई जिद कर रही हूँ। मैं तो बस विनंती कर रही है तो विनंती कैंसिल।
कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि तेरे लक्षण ठीक नहीं है। अपने पति को घूर घूर के देखती है, सास की बात काटती है, हो क्या गया? अगर झगड़ा हुआ है तो भी ये तेरा पति है, इसके प्रति तेरी कोई जिम्मेदारी है। कार चलाना सीखेगी। अरे पहले अपनी गृहस्थी को तो ठीक से चला ले तो बस। और जब तेरा पति मना कर रहा है कार सीखने के लिए तो क्यों सीख रही है? ड्राइवर की नौकरी लगी है? नहीं ना, हाँ ये कार कार के चक्कर में अपने संसार को ना तू बेकार कर रही है। 25 साल से तू ठीक चल रही थी, जिस उम्र में बिगड़ना था तब तो तू गाय बनी थी, और अब सिंग मारना सीख गई है। अरे पति पत्नी को प्रेम करता है और पत्नी पति को सम्मान देती है, तो तू मेरे बेटे को सम्मान क्यों नहीं दे रही है? अगर इसने कुछ बुरा भला कह भी दिया तो तुझे भूल जाना चाहिए। तू औरत है और औरत को हमेशा झुक के चलना चाहिए। सुन लिया बा क्या कह रही है? पति के मन के अंदर वही पत्नी आती है जिसे झुकना आता है। जी अगर दरवाजा छोटा हो तो झुककर ही अंदर जाना पड़ता है। तू अब भी मेरे बेटे को ताने मार रही है? बापूजी हॉस्पिटल में दिवाली सर पे है और तुझे ड्राइवर बनना है? बापूजी का ध्यान रखने में, घर का काम करने में ना मैंने कभी कोई कमी की है बा, और ना ही कभी करूंगी। हाँ पर बा, जाने दीजिए इसे, बाहर की बहुत हवा लग गई है इसे, एक दिन में लौट के अपने किचन में थेपले बेलते हुए मिलेगी। अरे इसे ये तक तो पता नहीं है कि कौन सी लाइट पे गाड़ी चलनी चाहिए और कौन सी लाइट पे रुकनी चाहिए, कौन सी रोड पे जाना चाहिए और कौन सी रोड नो एंट्री होती है। चिंता मत कीजिए, नो एंट्री वाले रास्तों पे चलने का काम दूसरों का है, मेरा नहीं। आज तक ना मैंने कोई गलत रास्ता लिया है और ना ही कभी लूंगी। तुम्हें पता है गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, है तुम्हारे पास? कच्चा है। हाँ? कच्चा लाइसेंस है, लर्नर लाइसेंस। जब किंजल से बात की थी तभी उसके साथ जाकर टेस्ट दिया था और कच्चा वाला लाइसेंस लेकर आई थी। मैंने कहा ना, मेरा रास्ता भी सही होगा और तरीका भी। तुम्हारे लिए सही रास्ता सिर्फ एक ही है, रसोई का रास्ता। मैंने कह दिया कि तुम कार नहीं सीखोगी, बात खत्म। पापा मम्मी को नहीं आने देंगे। तुम अपनी बात करो पारितोष, अपनी मम्मी को एनकरेज नहीं कर सकते, कम से कम उन्हें डिस्करेज तो मत करो। भाई ऐसी सेंसिबल लड़की आपको कहाँ मिली और आपको क्या दिखा इनमें? पारितोष मैं मम्मी को ड्राइविंग सिखाने वाली हूँ, और रही बात अंकल की, अंकल? तो मम्मी मम्मी और पापा अंकल? यस अंकल। मम्मी अंकल को हैंडल कर लेंगी और तुम इसमें मत पड़ो। बापूजी की ऐसी हालत में उन्हें मेरा सच तुम बता नहीं पाओगे और तुम्हें तुम्हारी मनमानी मैं करने नहीं दूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगी अनुपमा। बापूजी के लिए दिवाली की तैयारियां शुरू करो। मैं जो कर रही हूं बापूजी के लिए कर रही हूं। कल जब बापूजी की तबीयत खराब हुई तब आप वहां नहीं थे, ना ही तोसु था, ना ही समर और ना ही मामा जी, थी तो बस हम तीन औरतें और बापूजी उस हालत में, और हमें से किसी को गाड़ी चलाने नहीं आती थी। सवाल बापूजी की जिंदगी का था और हमारे पास कोई जवाब था ही नहीं। मैं रो रही थी, सोच रही थी कि भगवान कभी किसी को इतना लाचार ना बनाए। फिर ख्याल आया कि
भगवान तो किसी को लाचार नहीं बनाते, हम तो अपने आप को लाचार बनाते हैं। मुसीबत आने से पहले ये नहीं देखती कि घर में कोई मर्द है या नहीं, किसी को गाड़ी चलाने आती है या नहीं, वो तो कभी भी आ जाती है। और जो मेहमान कभी भी आ जाए उसके लिए तैयार रहना पड़ता है ना बा, तो मैं भी अपने आप को तैयार कर रही हूं ताकि भगवान ना करे ऐसी मुसीबत फिर से आ जाए तो हमें किसी और का मुंह देखना ना पड़े मदद के लिए। अनुपमा, बा ये यहां नहीं थे पर आप तो थी। आप अच्छी तरह से जानती है कि उन पलों में हम पर क्या बीती, ये रोक रहे हैं समझ में आता है, पर आप क्यों रोक रही हैं बा? आप जानती हैं कि मैं जो कर रही हूं वो सही कर रही हूं। मैंने आज तक हर काम आपके आशीर्वाद से किया है, ये काम भी मैं आपका आशीर्वाद लेकर ही करूंगी। मैं जा रही हूं, अगर आपको लगता है मैं गलत कर रही हूं तो रोक लीजिएगा, मैं रुक जाऊंगी।